नमस्कार, देश भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आकांक्षा तिवारी। चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मार्च को दिल्ली के एम्स अस्पताल में कोविड-19 वैक्सीन को अपनी पहली खुराक ले ली है। पुडुचेरी की सिस्टर पीन निवेदा ने प्रधानमंत्री को टीका लगाया है। एक ट्वीट में पीएम मोदी ने लोगों को वैक्सीन लेने और भारत को कोविड मुक्त बनाने की अपील की है। 28 फरवरी को कोच्चि में विजया यात्रा के दौरान संबोधित करते हुए केरल के विधानसभा चुनावों से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि केरल का बजट तैयार है और प्रस्तुत किया गया है और सारा पैसा केरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बोर्ड को दिया गया है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण भारत के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मोबाइल फोन और गैजेट्स पर खेले जाने वाले कई गेम्स हिंसक और नशे की लत जैसे हैं। इसका उदाहरण पबजी ही ले लीजिए। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और शिरोमणि अकाली दल के नेताओं मनजिंदर सिंह सिरसा और हरमीत सिंह कालका ने 28 फरवरी को श्रम और दलित अधिकार कार्यकर्ता मनोदीप कौर को सम्मानित किया है। नवदीप कौर ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि उनके समर्थन में बाहर आए सभी का धन्यवाद है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कार चोरों के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह ने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके कारों को चुराया है। पुलिस ने 11 कारों को बरामद किया है। ये गिरोह दिल्ली, गाजियाबाद, लखनऊ, नोएडा में सक्रिय था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की खिंचाई की है। उन्होंने राज्य में हिंसा के लिए सीएम बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि भाजपा विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में ही आएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया है और द्रमुक अध्यक्ष एमके स्टालिन पर भ्रष्टाचार के बारे में बात करने का आरोप लगाया है। जब मैंने स्टालिन जी को भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हुए सुना तो मुझे हंसी आ गई, ये बात हमारे गृह मंत्री ने कही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दल सिर्फ वंशवाद की राजनीति तक ही सीमित हैं। ये केवल भाजपा है जिसमें पार्टी का परिवार बन गई है। उन्होंने कहा कि जिसमें भी बीजेपी का हिस्सा बनने का मौका लिया है वो भाग्यशाली है। नड्डा वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर अभी हैं। खैर, ये थी अभी तक की बड़ी खबरें। बाकी की खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले।